नमस्ते बच्चों, मैं मी शिल्पा रिबेलो। हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा के पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सभी को प्रतिवर्ष एक ऐसे दिन का बड़े सब्री से इंतज़ार रहता है, जिस दिन आपको नया कपड़ा पहनने के लिए मिलता है, ढेर सारे उपहार मिलते हैं यानी कि गिफ्ट्स मिलते हैं, और आपके सभी रिश्तेदार मित्र सहेलियां घर पर आती है, और हाँ, उस दिन आप केक भी काटते हैं। कुछ समझ में आया बच्चों, मैं कौन से दिन की बात कर रही हूँ? जी हाँ, जन्मदिन, जो आप सभी को बहुत बहुत पसंद है। आपको जन्मदिन क्यों पसंद होता है? क्योंकि तुम्हारे सब रिश्तेदार आते हैं, सब रिलेटिव्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, और मम्मी डैडी के पास से एक नया कपड़ा मिलता है, ड्रेस मिलता है, जो तुम बर्थडे के दिन पहनते हैं। और सबसे ज़्यादा तो जब कब खुश होते हैं? जब ढेर सारे उपहार मिलते हैं, और हाँ, उस दिन आप केक भी काटते हैं, इसलिए आपको जन्मदिन बहुत पसंद रहता है। तो बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती में एक ऐसी ही सुंदर सी कहानी है जिसका नाम है जन्मदिन। इस कहानी को प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी ने लिखा है। इनका जन्म 11 मार्च 1929 में जौनपुर खरौना उत्तर प्रदेश में हुआ, और उनकी मृत्यु 31 जुलाई 2016 को लखनऊ में हो गई। उनकी प्रमुख रचनाएं विविध बाल कहानियां, बाल नाटक, लेख, रूपक आदि, मतलब उन्होंने बच्चों की बहुत सारी कहानियां लिखी है। बाल कहानियां मतलब बच्चों के लिए उन्होंने बच्चों की बहुत सारी कहानियां लिखी है। बाल नाटक यानि बच्चों के नाटक लिखे हैं, लेख यानि आर्टिकल्स लिखे हैं, और रूपक मतलब एक प्रकार का नाटक जिसे हम इंग्लिश में ड्रामा या स्किट कहते हैं, और ये सब उन्होंने लिखा है। उनका परिचय, आप पिछले 6 दशकों से साहित्य सृजन से संलग्न है, मतलब संलग्न मतलब जुड़े हैं, और साहित्य मतलब लिटरेचर, सृजन मतलब रचनाएं या लिखना, दशक मतलब 10 सालों का समय, मतलब 6 दशकों मतलब 60 सालों का समय। तो वह उन्होंने 60 सालों से यह साहित्य रचा है, लिखा है। प्रस्तुत कहानी में पानी के महत्व को बताकर उसकी बचत की और ध्यान आकर्षित किया है। मतलब यह कहानी जो है वह एक बहुत मज़ेदार कहानी है, और लेकिन इस कहानी के द्वारा कहानीकार ने हमें बताया है कि पानी हमें बहुत महत्वपूर्ण है और हमें उसकी बचत करनी चाहिए, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह हमारे जीवन के लिए आवश्यक वस्तु है, और इसके लिए कहते हैं कि जल ही जीवन है, इन इंग्लिश वी कॉल एज वाटर इज लाइफ, और उसे हमें बर्बाद नहीं करनी चाहिए, नॉट टू वेस्ट वाटर। तो हम अब कहानी को और बढ़ते हैं। गर्मी पड़ने लगी थी, धीरे धीरे
उसके तेवर तीखे हो चले, सूरज आग बरसाने लगा, मगर इन सबसे बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था, शावर के नीचे उसकी धमाचौकड़ी मची हुई थी। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहो, बबलू बोला। कहानीकार कहता है, हमें बताता है कि गर्मी का मौसम आ गया था और बहुत गर्मी पड़ने लगी थी। धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले थे। तेवर तीखा होना मतलब गुस्सा होना। सब गुस्से से परेशान थे, गर्मी से परेशान थे। सूरज की जो किरणें थी वह इतनी तेज थी कि हमारे शरीर को चुभने लगी थी। ऐसे लग रहा था कि सूरज आग बरसा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी थी। इट वॉज वेरी वेरी हॉट। मगर इन सब से बेखबर बबलू, बेखबर मतलब अनजान बबलू, अपने में ही मस्त था, अपने में ही धुन था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था और वो शावर के नीचे धमाचौकड़ी कर मचा रहा था। धमाचौकड़ी मचाना मतलब मस्ती करना, धूम मचाना, मस्ती कर रहा था। वह नहा रहा था लेकिन पानी के साथ वह खेल रहा था। शावर के साथ साथ उन्होंने नल की भी टोटी खोल दी थी। आप देख सकते हैं पिक्चर में, मतलब नल भी शुरू किया था, मतलब वहाँ भी पानी वो बर्बाद कर रहा था। पानी बर्बाद करना, बर्बाद करना मतलब नष्ट करना, वेस्ट करना। जब माँ ने देखा कि अरे आधे घंटे से बबलू बाथरूम में नहा रहा है, पानी को बर्बाद कर रहा है, तब माँ ने चिल्लाया कि बबलू क्यों पानी बर्बाद कर रहे हो, क्यों पानी वेस्ट कर रहे हो? तो उन्होंने जवाब क्या दिया कि मैं पानी बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, मैं पानी वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ नहा रहा हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग बाथ। लेकिन मेरा मन करता है कि मैं इस गर्मी में बहुत घंटों तक नहाता रहूँ, बहुत देर तक, दो तीन घंटों तक मैं नहाता रहूँ। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहता रहता। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। वह वहाँ के नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता। अभी यहाँ बबलू की आदत से, आदत मतलब स्वभाव, स्वभाव से उसके माता पिता, पेरेंट्स, मम्मी डैडी बहुत परेशान थे। परेशान होना मतलब हैरान हुआ, डिस्टर्ब हुए थे। वह मंजन करते समय, मंजन करना मतलब दांत को साफ करना या ब्रश करना। जब वह ब्रश करता था तब भी वह नल शुरू ही रखता था, चालू ही रखता था, मतलब वापस पानी बर्बाद कर रहा था। यू कैन सी इन द पिक्चर। उसकी ऐसी आदत की थी इसलिए वह स्कूल में भी वैसे ही करता था और इस वजह से उसे डांट खानी पड़ती थी प्रिंसिपल के पास से, टीचर्स के पास से,
क्यों? क्योंकि पानी बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। पानी हमारे लिए बहुत कीमती चीज़ है। पानी नहीं रहेगा तो हमारा जीवन ही नहीं रहेगा, और इसकी वजह से स्कूल में भी उसे डांट खानी पड़ती थी। वह स्कूल में भी अक्सर नल की टोटी खुली छोड़ देता था। एक पानी की ही बात नहीं थी, बिजली के साथ भी यही होता। वह कमरे में न हो तब भी पंखा खुला रहता तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता, कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता तब भी बल्ब जलता रहता, माँ को ही बुझाना पड़ता। तो पानी की ही बात नहीं थी, बल्कि बिजली के साथ भी वह यही करता था। बबलू पानी की ही बर्बाद पानी को ही बर्बाद नहीं करता था, लेकिन बिजली को भी वो बर्बाद करता था। वॉज वेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। अगर वह कमरे में नहीं हो फिर भी वह पंखा खुला रखता था, पंखा चालू ही रहता था, और कूलर भी बंद करना भूल जाता था। जब वह पढ़ता था तब बल्ब को जलाता था, लेकिन पढ़ने के बाद वह बंद करने के लिए ही भूल जाता था। जब माँ उसे देखती तो वह बंद कर देती थी, और कभी कमरे में नहीं रहता तो भी वह पंखा कूलर बल्ब सब शुरू करके बाहर जाता था। मतलब वह बिजली को भी बर्बाद कर रहा था। पानी हो या बिजली, यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे। बच्चों, हम सभी को पता है कि पानी हमें प्रकृति मतलब कुदरत से मिलता है, प्राप्त होता है, नेचर से। पानी हम खुद से नहीं बना सकते हैं, और पानी से ही हम बिजली बनाते हैं। बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी, वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर, जिससे हमें एनर्जी ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मतलब शक्ति, एनर्जी। और बच्चों, अगर पानी नहीं होगा तो बिजली कैसे बनेगी? हमें बिजली कहाँ से मिलेगी? तो इस प्रकार से बच्चों, पानी और बिजली, इसका भंडार तो है लेकिन वह सीमित है। भंडार मतलब खजाना, खजाना बहुत है, खजाना है लेकिन वह बहुत कम है, सीमित है मतलब लिमिटेड है। अगर दुनिया के सभी लोग ऐसे ही पानी और बिजली बर्बाद करेंगे तो क्या होगा? नहाना छोड़ दो, नहाने की बात तो दूर है, लेकिन हमें पीने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। हम पानी के लिए तरसेंगे। वी विल नॉट गेट वाटर इफ ऑल पीपल विल स्टार्ट वेस्टिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल ना आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। इससे उनकी मम्मी, बबलू की मम्मी और डैडी बहुत परेशान थे। ये सब इलेक्ट्रिसिटी,
वाटर, पानी और बिजली, वह सब वेस्ट कर रहा था, बर्बाद कर रहा था, लेकिन ये बात उसके समझ में नहीं आती थी। और इस परेशान से, इस वजह से उसके माता पिता दोनों ही बहुत परेशान थे। वो उनमें सुधार लाना चाहते थे, लेकिन उन्हें कुछ उपाय मतलब तरकीब नहीं सूझ रही थी। उन्हें पता है कि बिजली और पानी एक खजाना है, और वो बहुत समझा देते, लेकिन बबलू उसे समझ में ही नहीं रहता था, उसे समझना ही नहीं था। तो बच्चों, हम इसके बाद की कहानी अगली प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे। तब तक मैंने कुछ शब्दार्थ दिए हैं, वो आपको आपके नोटबुक में लिखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। धन्यवाद। घर पर रहे, सुरक्षित रहो।